गुड मॉर्निंग क्लास एट, दिस इज योर एसएससी क्लास एंड योर चैप्टर नंबर है 3, व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, जो कि मैंने आपको कल थोड़ा चैप्टर एक्सप्लेन किया था। हम आगे से कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर आपके कल टॉपिक मैंने एक्सप्लेन किए थे, व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्यों पड़ती है, तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अब हम और इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था व्हाई शुड डिसाइड पीपल डिसाइड, ठीक है, पीपल क्यों डिसाइड करते हैं, ये मैंने कल आपको टॉपिक समझाया था कि किस तरीके से जो है हमारा जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, आज़ाद हुआ था, उसके बाद जो है कॉलोनियल रूल से जो है फ्रीडम के लिए तो हर कोई जो है वो फ्रीडम चाहता था, यानी कि वो चाहता था कि उन्हें जो इंडिया जो है फ्री इंडिया उन्हें मिले, ताकि वो आज़ादी का सोच सके, कि वो अपने अकॉर्डिंग अपने डिसीजन ले सकें और वो किसी पर डिपेंडेंट रह रहे हैं। इसीलिए जरूरत पड़ी पार्लियामेंट की जब इंडिया जो इंडिपेंडेंट हुआ। और इसके बाद मैंने आपको बताया था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जो है वो एस्टैब्लिश की गई थी। तो जब इंडिया आजाद हुआ तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जो है वो एक्ट पास किया गया। इसमें क्या था, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी में राइट टू वोट, यानी कि इंडिया का जो भी सिटीजन है, इंडिया कंट्री में जो भी रह रहा है, दे हैव राइट टू वोट, तो उनको अधिकार था वोट देने का, जिसमें कि आपका पेज नंबर 31 पे आपको एक पिक्चर दी गई है, ठीक है। इस पिक्चर में ये शो हो रहा है, द अबव फोटो शोज अ वोटर रीडिंग इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू यूज एन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो जब वोटिंग स्टार्ट हुई तो जो एडल्ट थे, ठीक है, जो 18 प्लस थे, उनके पास राइट था कि वो वोट कर सकते हैं। तो जो वोटिंग होती थी, आप कई मतलब स्टार्टिंग में भी कंट्रीज में, बाहर की कंट्रीज में जो बैलेट पेपर होता है उस पर वोटिंग होती थी, अभी भी होती है, लेकिन इंडिया में भी बैलेट पेपर पे होती थी। फिर जो है इसमें लेकिन बताया गया कि ईवीएम मशीन जो है वो वोटिंग के लिए स्टार्ट की गई। ईवीएम मशीन वोटिंग का मेन मोटिव यही था, क्योंकि देखो पेपर, हम पेपर पे दे रहे हैं, तो पेपर जब दे रहे हैं तो कितने हजारों करोड़ों टन के समथिंग जो पेपर है वो पेपर वेस्ट हो सका, बैलेट पेपर पे दे रहे हैं। इंडिया में जितने वोट लेंगे, जाहिर सी बात है उतना ही जो है पेपर जो है वो वेस्ट होगा। तो और पेपर आपको पता ही है कि लकड़ियों से बनता है, पेड़ों को काट के जो है बनाया जाता है, तो बेसिकली जो पेड़ों को काट के बनाया जाता है, तो बेसिकली जो ईवीएम मशीन थी, यानी ईवीएम मशीन जो है वो पहली बार यूज की गई थी इंडिया में 2004 में। द यूज ऑफ ईवीएम इन 2000 सेव्ड अराउंड, जब 2004 में ईवीएम मशीन का यूज किया गया तो 1,50,000 ट्रीज जो है वो कटने से रोके गए। तो इतना पेड़ जो है 1,50,000 पेड़ जो है वो कटने से बच गए, जो कि कुड यू प्रोड्यूस 8,000 टन्स ऑफ पेपर फॉर प्रिंटिंग द बैलेट पेपर, यानी कि 1,50,000 पेपर वो ट्रीज जो है काटे जाते थे 8,000 टन पेपर, बैलेट पेपर बनाने के लिए। इतना यानी ज्यादा जो है ईवीएम मशीन का यूज करके इतना जो है पेड़ों को बचाया गया। तो जो चुनाव होते थे, तो जो राइट टू वोट मैंने बताया आपको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी में, कि जो एडल्ट है उसके पास राइट है वोट करने का, तो ईवीएम मशीन के थ्रू भी हुआ। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, अब लोग और उनके जो अपने प्रतिनिधि यानी कि रिप्रेजेंटेटिव में अपने लिए, अपनी गवर्नमेंट के लिए अपने प्रतिनिधि के तौर पे वो किस तरीके से उन्होंने चुना। द टेक ऑफ पॉइंट फॉर डेमोक्रेसी इज द आइडिया ऑफ कंसेंट, दैट इज द डिजायर अप्रूवल एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। इसमें एक वर्ड आया है अप्रूवल। अप्रूवल का मीनिंग है सहमति, हमारा जो है ओपिनियन एक तरीके से उससे अग्री करना, ठीक है। द टेक ऑफ पॉइंट फॉर अ डेमोक्रेसी इज द आइडिया ऑफ कंसेंट, दैट इज द डिजायर अप्रूवल एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। जो डेमोक्रेसी थी, क्लास मैंने आपको बताया था डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी से मतलब है कि हमारे पास रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, हमें उसी रूल्स और रेगुलेशंस के अंदर ही वर्क करना है और अपनी कंट्री में रहना है। तो जब कॉलोनियल रूल हटा, यानी ब्रिटिश से हमारा इंडिया जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट से आज़ाद हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ,
तो जो है डेमोक्रेसी थी, तो डेमोक्रेसी में क्या था, हमारा आइडिया था, जब गवर्नमेंट जो एस्टेब्लिश की गई तो हमारा जो आइडिया था, आइडिया ऑफ कंसेंट, यानी कि हमारा जो है सहमति, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, दैट इज अप्रूवल पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, यानी कि अप्रूवल यानी कि हमारी सहमति की और हमारे पार्टिसिपेशन की, यानी कि अगर हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन रहे हैं तो हमारी सहमति की और हमारे पार्टिसिपेशन की बहुत जरूरत थी. इट इज द डिसीजन ऑफ पीपल दैट क्रिएट्स अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड डिसाइड अबाउट इट्स फंक्शनिंग. तो ये हमारा ही डिसीजन, डिसीजन ऑफ पीपल, यानी हमारा ही डिसीजन है जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्रिएट करती है. यानी कि रूल्स, अब ऐसा तो है नहीं रूल्स बना दिए जाएंगे, अब उन रूल्स में जब रूल्स बनाए गए उन रूल्स में ये भी देखा जाएगा कि हम उन रूल से अग्री करते हैं, अप्रूवल हमारा, यानी कि हमारा अप्रूवल जरूरी है हर चीज के लिए. हम अपने गवर्नमेंट चुन रहे हैं तो हम, हमारे लिए कोई भी रूल्स बनाए जा रहे हैं तो सारी चीजें जो भी हमारे लिए बनाई जा रही हैं तो हमारा अप्रूवल या हमारा कंसेंट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को बनाने के लिए या उसकी फंक्शनिंग के लिए हमारे डिसीजन की बहुत ज्यादा जरूरत है. द बेसिक आइडिया इन दिस काइंड ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट द इंडिविजुअल और द सिटीजन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन, दैट इन प्रिंसिपल द गवर्नमेंट एज वेल एज अदर पब्लिक इंस्टीट्यूशन नीड टू हैव द ट्रस्ट ऑफ दी सिटीजन. तो सबसे बेसिक आइडिया है डेमोक्रेसी का वो है कि कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी अलग से या कोई भी सिटीजन है, वो जो है डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. तो यानी कि गवर्नमेंट के जितने भी नीतियां हैं, प्रिंसिपल या सिद्धांत हैं, जो भी प्रिंसिपल्स बनाए जा रहे हैं, तो उसमें जो है ये जरूरी है कि जो बनाए जा रहे हैं, जो पब्लिक के लिए जो बनाए जा रहे हैं, तो ये जरूरी है कि सभी सिटीजन को उसमें जो है वो ट्रस्ट होना चाहिए. अगर हम कुछ भी चुन रहे हैं तो पब्लिक इंस्टीट्यूशन, अगर कोई भी हमारे लिए कोई भी इंस्टीट्यूट बनाए जा रहे हैं, हम तो उसमें हमारा अप्रूवल जरूरी है. तो उसके लिए जरूरी है कि हर जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है उसको ट्रस्ट करना चाहिए कि हम जो भी अपने लिए जो भी हम जो रूल चुन रहे हैं. हाउ डज द इंडिविजुअल गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट. अब तो ये मैंने आपको बता दिया कि हमारे अप्रूवल की बहुत जरूरत होती है. अब इंडिविजुअल, अब हम अलग अलग कैसे अप्रूवल अपना दे सकते हैं. अब ऐसा तो है नहीं कि सबका, हो सकता है कि सबका आइडिया ओपिनियन मैच करे नहीं करे, जरूरी नहीं है. कुछ किसी के आइडिया सेम हो सकते हैं, किसी के आइडियाज, कोई किसी के आइडियाज से किसी का अगेंस्ट भी जा सकता है या उनमें डिफ्रेंशिएट भी हो सकता है. तो किस तरीके से जो हम अलग अलग गवर्नमेंट को अपना अप्रूवल देते हैं, वन वे ऑफ डूइंग सो यू रीड इट थ्रू इलेक्शंस. मैंने आपको बताया कि हम अपना रिप्रेजेंटेटिव अगर चुन रहे हैं तो हम अपना अगर रिप्रेजेंटेटिव चुन रहे हैं तो हम किसके थ्रू चुनेंगे, इलेक्शन के थ्रू. ठीक है, अब जो भी रिप्रेजेंटेटिव होगा वो पर्टिकुलरली हमारे ऑप्शन में होगा. हम इलेक्शन जब प्रोसीड किया जाएगा, इलेक्शन प्रोसेस होगा, तो उसमें हमारे पास ऑप्शंस होंगे कि हम कौन सा अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हैं. तो जब रिप्रेजेंटेटिव जब चुना जाएगा तो हमारे पास राइट है, हम इलेक्शन के थ्रू जो है अप्रूवल जो कैसे दे सकते हैं, थ्रू इलेक्शन. उनमें से एक है, अगर हम अप्रूवल देने का एक मैथड है इलेक्शन. पीपल विल इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव थ्रू द पार्लियामेंट. जो लोग जो है अपना रिप्रेजेंटेटिव पहले पार्लियामेंट के लिए चुनते हैं. ठीक है, जब पार्लियामेंट के लिए अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे तो जितने भी चुने जाएंगे, देन वन ग्रुप फॉर्म अमंग दीज इलेक्टेड, जितने भी चुने जाएंगे जिनके पास मेजोरिटी होगी. ठीक है, जिनके पास मेजोरिटी ऑफ वोट होगा या मेजोरिटी होगी, तो वो जितने भी चुने जा रहे हैं, वो चुने जा रहे हैं, उनमें से एक जो है वो एक जो है गवर्नमेंट बनाता है. यानी कि उनमें से जिसके पास जो है ज्यादा मेजोरिटी होगी वही जो है पीपल इलेक्ट एंड टू द पार्लियामेंट, देन वन ग्रुप. ठीक है, पार्लियामेंट चुनेगा, उसके बाद जो है उनमें से कोई भी एक ग्रुप जो है वो गवर्नमेंट फॉर्म करता है. द पार्लियामेंट विच इज मेड अप ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेटिव टुगेदर द कंट्रोल एंड गाइड द गवर्नमेंट. जो पार्लियामेंट में जितने भी रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं, ग्रुप चुना जाता है, वो क्या करता है, वो जितने भी गवर्नमेंट को कंट्रोल, यानी गवर्नमेंट, अब देखो पर्टिकुलरली किसी एक पर्सन को वो राइट दिए जाएंगे, उसके पास ये अथॉरिटी होगी उसके पास कि वो क्या क्या कर सकता है, तो उन्हीं अपने गाइडेंस के अंदर, उन्हीं रूल्स और रेगुलेशंस के अंदर वो अपना वर्क करेगा. तो गवर्नमेंट के लिए वर्क करता है और जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं वो ये देखता है कि किस तरीके से कंट्रोल किए दिए जाएंगे.
In this sense, people throw their chosen representative form the government and also control it. तो इस सेंस से जो है लोग जो चुनते हैं अपना रिप्रेजेंटेटिव वो जो है गवर्नमेंट फॉर्म करता है उसके जो कंट्रोल करता है यानी कि उसके पास जो अधिकार दिए गए हैं उनको यूज करके जो है वो ये देखता है कि किस तरीके से अपने जो अथॉरिटीज हैं ड्यूटीज हैं उनका वो यूज करेगा और उनको कंट्रोल करेगा। अब ये मैंने आपको बताया क्लास टॉपिक था आपका पीपल। एंड ठीक है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट था कि किस तरीके से हम अपना प्रतिनिधि चुनेंगे और लोग पीपल का यहाँ डिसाइड हो रहा है, पीपल से बताया जा रहा है यहाँ हम यानी सिटीजन। ठीक है, पीपल में यहाँ पे बात हो रही है सिटीजन की। ठीक है, और रिप्रेजेंटेटिव जो हम हमारे लिए काम करता है यानी कि प्रतिनिधि जो हमारे लिए काम करता है गवर्नमेंट का ही होता है रिप्रेजेंटेटिव वो। अब क्लास इसमें एक आपको नीचे पिक्चर दी हुई है, इसमें बताया जा रहा है किस तरीके से जो है देखो इलेक्शन प्रोसेस जो होता है वो सब जगह होता है, चाहे गांव हो चाहे शहर हो चाहे कस्बे हो चाहे टाउन हो कुछ भी हो सब जगह जो है इलेक्शन प्रोसीजर होता है। तो एक नीचे फोटो दे रखा है, देखो क्लास मैं आपको एक फोटो दे रखा है अगर आप देखोगे इसमें जो है दिस फोटो शोज इलेक्शन स्टाफ यूजिंग एन एलिफेंट। इसमें जो है इलेक्शन स्टाफ होता है इसके लिए इलेक्शन स्टाफ यानी इलेक्शन प्रोसीजर के लिए स्टाफ चुना जाता है, उसको काम दिए जाते हैं। वो क्या कर रहा है ईवीएम पोलिंग मटीरियल एंड ईवीएम जो भी पोलिंग जो ईवीएम मशीन है और जो वोटिंग के लिए जितना भी मटीरियल की जरूरत है वो जो है वो जहाँ पर जाहिर सी बात है जहाँ उसे पहुँचाना होगा सारा मटीरियल वो सारा मटेरियल जो है वो एलिफेंट के थ्रू लेकर जा रहा है। क्लास अब हम पेज नंबर 33 पे आएंगे। पेज नंबर 33 में बताया गया है द अबव आईडी और रिप्रेजेंटेशन हैज बीन एन इम्पोर्टेंट थीम फॉर तो यू आर फैमिलियर एंड हाउ रिप्रेजेंटेटिव आर चूजन एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अब आपको बताएंगे कि किस तरीके से रिप्रेजेंटेटिव जो है वो चुना जाता है और कैसे जो है गवर्नमेंट के लेवल्स अलग अलग गवर्नमेंट के देखो गवर्नमेंट के लेवल्स होते हैं सबसे ऊपर फिर उससे नीचे फिर उससे नीचे नीचे सबका अपने अपने ड्यूटीज होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर चुन लिया गया और उसको सारी ड्यूटीज दे दी। तो जो है हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क यहाँ पे देखा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। तो पर्टिकुलरली हर एरिया होता है स्टेट होती है सिटी होती है ये सारी चीजें डिवाइड कर दी जाती हैं और तो लेवल्स डिसाइड किए जाते हैं। अब इसमें देखो क्लास में कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं पेज नंबर 33 पे, ये मैं आपको जो वर्क कराऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है यूज द टर्म कॉन्स्टिट्यूएंसी रिप्रेजेंट टू एमएलए मेंबर, एमएलए की फुल फॉर्म है एमएलए सुना होगा आपने मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली, ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली जो लेजिस्लेचर असेंबली होती है उसका जो मेंबर होता है वो कहलाया जाता है एमएलए। ठीक है, एमएलए आपने सुना होगा एमएलए सुना जाता है। तो अब हम इसमें कुछ क्वेश्चंस भी रखे हैं, क्वेश्चंस में क्लास में बता देती हूँ आपको कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं कराऊंगी आपकी कॉपी में जो मैं वर्क कराऊंगी, लेकिन इसमें फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं आपके। फिल इन द ब्लैंक्स आपको बुक में फिल करने हैं अपने आप करने हैं, मैं एक बार बोल देती हूँ समझा देती हूँ तो वो आप लोगों को करने में आसानी हो जाएगी। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स इन आवर टाइम्स आर यूजुअली रिफर्ड टू एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट, आंसर में बता रही हूँ आप ध्यान से सुनना, पार्टिसिपेट डायरेक्टली बट इंस्टेड चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस। दीज एमएलए मीट एंड मेक डिसीजन फॉर द एंटायर पॉपुलेशन। These days, a government cannot call itself democratic unless it allows what is known as universal adult franchise. ये आपका fill in the blanks है। बाकी जो क्वेश्चन इसमें जरूरत होगी कराने की वो मैं करा दूंगी। पेज नंबर हम पहुंचेंगे 34 पे, देखो पेज नंबर 34 पे है, ये है पार्लियामेंट, ये है पार्लियामेंट के दो हाउस। ठीक है, पार्लियामेंट जो है सुप्रीम पावर है संसद से कहा जाता है,
पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन. पार्लियामेंट जो है सबसे ऊपर, यानी कि जो लॉ बनाने वाली जो प्रोसेस है, लॉ मेकिंग जो है वो इंस्टीट्यूशन है, जो हमारे लिए कानून बनाए जाते हैं वो पार्लियामेंट में ही बनाए जाते हैं. इसमें दो हाउसेज होते हैं, राज्यसभा एंड लोकसभा. ये आपने पढ़ा ही होगा. पार्लियामेंट के दो हाउसेज हो गए, लोकसभा राज्यसभा. दो हाउसेज होते हैं लोकसभा एंड, ठीक है, राज्यसभा, या राज्यसभा लोकसभा जो भी कह दो आप. राज्यसभा जो है इसमें टोटल कितने मेंबर्स होते हैं, 245 मेंबर्स होते हैं, जो कि इसमें वाइस प्रेसिडेंट उसको कंटिन्यू करता है, यानी इसका हेड जो होता है वो होता है वाइस प्रेसिडेंट. और लोकसभा क्या होता है, हाउस ऑफ द पीपल, ठीक है, ये हाउस ऑफ द, लोकसभा को जो है हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है. इसमें टोटल मेंबर होते हैं 545 और ये प्रिजाइडेड बाय ओवर द स्पीकर. इसमें जो स्पीकर होता है वो जो है इसको चलाता है. अब हम पढ़ेंगे द रोल ऑफ द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट का क्या रोल होता है. क्रिएटेड आफ्टर 1947 द इंडियन पार्लियामेंट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फेथ दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव इन प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी. जो 1947 के बाद जो है बनाई गई थी पार्लियामेंट, ये एक तरीके से जो है वो लोगों के लिए काम करती है और जो है having principles of democracy, जो कि लोगों को faith that the people of India, जो लोगों को इंडिया की डेमोक्रेसी पे बिलीव है, तो पार्लियामेंट जो है वो एक तरीके से इंडियन पार्लियामेंट जो है उन लोगों को कफ भरोसा रखते हुए लोगों के लिए काम करती है. दीज आर पार्टिसिपेशन बाय पीपल इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड गवर्नमेंट बाय कंसेंट. इसमें पार्टिसिपेशन जो होता है, लोग डिसीजन मेकिंग, कोई भी जो है डिसीजन लिया जा रहा है, फैसला लिया जा रहा है, इसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं और गवर्नमेंट बाय कंसेंट, यानी कि इसमें गवर्नमेंट का भी अपना, लोग इसमें डिसीजन लेते हैं लेकिन गवर्नमेंट इसमें अपनी सहमति देती है. द पार्लियामेंट इज अ सिस्टम हैज इमेंस पावर बिकॉज इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल. पार्लियामेंट के पास बहुत ज्यादा पावर होती है क्योंकि जो है वो बिकॉज हमारी रिप्रेजेंटेटिव है, हमारे लिए काम कर रही है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, वो हमारे लिए काम कर रही है, तो उसके पास पावर है कि हमारे लिए क्या काम करेगी, कैसे काम करेगी. इलेक्शन टू द पार्लियामेंट आर हेल्ड इन सिमिलर मैनर एज दे आर फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर. दो स्टेट लेजिस्लेचर होता है, जैसे उसके इलेक्शन होते हैं इसी तरीके से जो पार्लियामेंट में जो मेंबर जो होते हैं वो इलेक्शन जो होता है वो भी उसी तरह होता है. लोकसभा इज यूजली इलेक्टेड वंस एवरी 5 ईयर, यानी लोकसभा है, लोकसभा में कितने मेंबर्स होते हैं, 545 मेंबर्स, यानी कि लोकसभा जो 545 मेंबर्स के साथ 5 साल के लिए बनाई जाती है. 5 साल बाद उसमें अगर जरूरत है कोई मेंबर चेंज करने की, या कोई जो है 545 ही रहेंगे उसमें कि दूसरे मेंबर हैं, तो वो जो है 5 साल के लिए होती है, तो उसमें 5 साल के लिए बाद जो है वो चेंज हो जाती है. द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू न्यूमरस कॉन्स्टिट्यूएंसीज नोन एज द मैप ऑफ 48. ईच ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट्स 1 पर्सन टू द पार्लियामेंट. आप देखोगे जैसे पेज नंबर 41 पे एक मैप दे रखा है, इसमें दे रखा है कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई गई हैं. टोटल सीट है 543, जिसमें कि जनरल 412, एससी 84, एसटी 47. ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जनरल की सीट दे रखी हैं, ठीक है, यानी कॉन्स्टिट्यूएंसीज से कितने मेंबर्स, टोटल 542 मेंबर्स में से कैसे चुने जाते हैं. ईच ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूएंसी 1 पर्सन टू द पार्लियामेंट, इलेक्ट 1 पर्सन टू द पार्लियामेंट. हर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से 1 पर्सन जो है वो मैं पार्लियामेंट के लिए चुना जाता है. द कैंडिडेट टू कंटेस्ट इलेक्शन यूजुअली बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी. जो कैंडिडेट होते हैं इलेक्शन में वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं. ऐसा नहीं है कि कोई भी, कोई अगर जो भी एक चुना जाएगा वो जो है, जो भी चुना जाएगा वो, ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर पार्टी से आता है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से होते हैं सारे ग्रुप में. तो क्लास ये हो गया रोल ऑफ पार्लियामेंट, है आपका पार्लियामेंट का रोल है, किस तरीके से पार्लियामेंट वर्क करती है. अब क्लास आपको इसमें दे रखा है विद द हेल्प ऑफ द टेबल लेट अस अंडरस्टैंड दिस फर्दर. इसमें दे रखा है 16th लोकसभा, जो कि 2014 में 16वीं लोकसभा हुई थी, उसकी पॉलिटिकल पार्टीज है, नंबर ऑफ मेंबर, एमपी का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है.
एमपी। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, एमपीज हैं यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज थी। सबसे पहले नेशनल पार्टीज जो आई थी जिसमें बीजेपी, सीपीआई, सीपीएम, आईएनसी, एनसीपी। ठीक है, इसमें से कितने नंबर जो है नंबर ऑफ एमपीज चुने गए थे, तो टोटल 543 बनी गई थी। ऐसे बनी थी यानी कि उसमें नेशनल पार्टीज थी, बीजेपी में से 282, कम्युनिस्ट पार्टी में से 198। इसके बाद स्टेट पार्टीज जो आई थी, स्टेट की रीजनल पार्टीज, उसमें से कितने चुने गए थे, ये सारी स्टेट पार्टीज हैं। ठीक है, हर स्टेट की अपनी अलग अलग पार्टी है। तो ये है आपका इसमें 16 लोकसभा जो है उसका रिजल्ट। अब इसमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, जब आपका स्टार्ट होगा वो मैं समझा दूंगी। एक टॉपिक है पेज नंबर 36, पेज नंबर 36 में दे रखा है रिजल्ट। और अब ये था 16 लोकसभा का, अब ये है 2009 में 15। देखो 5 साल का गैप है, ये 16 2014 में हुई थी और 15 जो है वो 2009 में हुई थी, फिर 5 साल बाद हुई थी। अब इसमें किस तरीके से नंबर ऑफ एमपी चुने गए थे, बीजेपी के 116, बीएसपी 21, ये सारे पार्टीज हैं और ये मेंबर्स हैं कितने चुने गए थे। अब क्लास आपका इसमें टॉपिक दे रखा है, वंस इलेक्टेड दीज कैंडिडेट बिकम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और एमपीज। जब एक बार इलेक्शन हो जाता है, चुन लिए जाते हैं, ये सारे जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं, जितने चुने जाएंगे ये सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएंगे। उनके पास राइट होगा कि किसी भी पार्लियामेंट में डिसीजन है, डिसीजन लेना है, तो वो उसमें ये उपस्थित रहना उनका जरूरी है। दीज एमपी टुगेदर मेक अप द पार्लियामेंट, ये सारे एमपी जो है मिलकर पार्लियामेंट बनाते हैं। वंस इलेक्शन टू द पार्लियामेंट हैव टेकन प्लेस द पार्लियामेंट नीड्स टू परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। जब एक बार 543 मेंबर के साथ, ठीक है, द 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपीज के साथ जब पार्लियामेंट बन जाती है, तो वो अपने उसको जरूरत होती है क्या, उसको कैसे काम करना है। अब इसके कुछ बताया जाएगा कि क्या काम करती है पार्लियामेंट, टू सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, टू कंट्रोल। अब क्या काम होता है क्लास में आपको ये कल बताऊंगी, ठीक है, कि पार्लियामेंट क्या काम करती है। तो आपको जितना समझा दिया है मैंने, उतना आप अच्छे से पढ़ना। जो भी आपको प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आया है कोई टॉपिक, आप एक एक आपके पास बुक है, एक एक लाइन रीड करना, कोई भी लाइन है, कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आया क्लास, आप मेरे से जो है अपनी क्वेरी आप पूछ सकते हो। कल तक, परसों तक आप लोग मेरे पास अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हो, ठीक है, जिससे आपकी जब नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें मैं आपको वो क्वेरी आपकी सॉर्ट आउट कर दूंगी, ठीक है। आज मैंने आपको पढ़ाया है पीपल, उनके रिप्रेजेंटेटिव और पार्लियामेंट का रोल, और पार्लियामेंट कैसे बनती है, और कुछ प्रीवियस रिजल्ट्स हैं किस तरीके से जो है कितने मेंबर एमपी चुने गए थे। तो क्लास आप जो है को जितना पढ़ा दिया गया क्लास, वो आप एक बार अच्छे से समझ लेना। कोई भी क्वेरी हो तो आप जो है उसे क्वेरी को सेंड कर सकते हैं, ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से समझ के। और आपको क्लास कॉपीज जो है वो आपको बता दी जाएगी, जब भी वर्क कराऊंगी मैं आप लोगों को वीडियो के थ्रू ही आपको वो वर्क कराऊंगी, तो आप लोग प्रॉपर वर्क अपना टाइम टू टाइम करिएगा। ओके, थैंक यू क्लास।